दृश्यम 2 की कहानी दृश्यम 1 से ही आगे कंटिन्यू रहती है, जहां पर दृश्यम 1 में हमने देखा था कि विजय ने सेम की बॉडी पुलिस स्टेशन के नीचे ही दफना दी थी और विजय को लग रहा था इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। पर उसी रात 2 अक्टूबर 2014 को डेविड के हाथों एक मर्डर हो जाता है, जिससे पुलिस उसके पीछे होती है और वो भागते हुए स्टेशन की तरफ भागता है, जहाँ पर वो विजय को वो बॉडी दफनाते हुए देख लेता है। पर उसी रात डेविड को पुलिस पकड़ लेती है। अब कहानी 7 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर विजय ने एक केबल ऑपरेटर से एक थिएटर ओन करने तक काफी तरक्की कर ली है। अब वो एक मूवी प्रोड्यूस करना चाहता है, इसके लिए वो एक बड़े डायरेक्टर से मिलता है। मूवी के लिए कहानी रेडी थी, पर विजय को उसका क्लाइमेक्स पसंद नहीं आता, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि जब तक उन्हें एक सही स्टोरी नहीं मिल जाती वो इस मूवी को नहीं बनाएंगे। विजय का केस रीओपन होता है, इसके लिए आईजी तरुण अहलावत गायतोंडे को बुलाता है, क्योंकि गायतोंडे एक लौता आदमी है जिसने विजय को उस येलो कार में देखा था और अंत तक इस केस में विजय को गुनाहगार बताता रहा। वहाँ पर मीरा भी होती है, जो कि लंदन से वापस आ चुकी है और इस केस में इनके साथ होती है। विजय के पड़ोस में दो पति पत्नी सिड और जेनी रहते हैं। सिड शराब पीकर अपनी पत्नी जेनी को बहुत मारता है, इससे विजय की वाइफ नंदनी को जेनी से काफी हमदर्दी होती है। जेनी और नंदनी की अच्छी दोस्ती हो चुकी है और जेनी इनके घर आती जाती रहती है। असल में ये दोनों पुलिस वाले हैं और सेम की बॉडी का पता लगाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। इन्होंने इनके पूरे घर में माइक्रोफोन से फिट किए हुए हैं, ताकि इनकी जो भी बातचीत हो वो उन्हें सुन सके। पर विजय ने किसी को भी उस घटना के बारे में कुछ भी बात करने के लिए मना किया हुआ है। पुलिस सेम की बॉडी को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता, इसलिए वो अनाउंस करते हैं कि जो भी इस केस में लीड दिलाएगा उसे 5 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। अब डेविड जेल से बाहर आ चुका था, जिसने विजय को वो बॉडी दफनाते हुए देखा था। वो इनाम की बात सुनकर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को उस बॉडी के बारे में बता देता है। पुलिस स्टेशन में खुदाई की जाती है और उन्हें वहां पर वो बॉडी मिल जाती है। अब पुलिस विजय और उसकी फैमिली को पकड़ कर ले जाती है और विजय को सब कुछ कन्फेस करने के लिए कहती है, पर विजय कहता है कि वो 2 तारीख को यहाँ पर थे ही नहीं। सबको पता है कि वो पणजी गए थे, पाव भाजी खाई थी, मूवी देखी थी, सत्संग सुना था। पर फिर आईजी गायतोंडे को विजय की फैमिली को टॉर्चर करने के लिए कहता है। विजय अपनी फैमिली को और परेशान होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो सब कुछ कन्फेस कर देता है। पर विजय अपनी फैमिली को बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है। वो बताता है कि उसी ने सेम के सिर पर डंडा मारा था और बाद में उसे गार्डन में जाकर दफनाया था। विजय के कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि सबूत के रूप में उसे केस में पेश किया जा सके। फिर विजय को कोर्ट लाया जाता है। इधर आईजी और मीरा खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने आखिरकार विजय को उसके किए की सजा दिलवा दी। तभी वहाँ पर वो मूवी डायरेक्टर आता है, जो विजय के साथ मूवी बना रहा था। वो कहता है कि उसे विजय के केस के बारे में कुछ बात करनी है। वो बताता है कि विजय ने जो अपने बयान में बताया है वो ही उसकी स्टोरी थी, पर उसे उसका क्लाइमेक्स पसंद नहीं आता, इसलिए अभी तक उन्होंने मूवी बनाना स्टार्ट नहीं किया था। वो कहानी वही थी जो विजय ने अपने बयान में बताया। उन्हें इस स्टोरी का कॉपी होने का डर था, इसलिए उन्होंने इस पर एक नॉवेल छपवाई और उस पर कॉपीराइट ले लिया। उन्होंने इसकी कुछ ही कॉपीज छपवाई थी और ये बुक अभी भी कुछ दुकानों पर अवेलेबल है। इधर कोर्ट में विजय कहता है कि उसका यह बयान पुलिस वालों द्वारा उसे धमका कर लिया गया। विजय की वकील उस बुक को कोर्ट में पेश करती है और कहती है कि इस कहानी को ही विजय को धमका कर बोलने के लिए कहा गया था। तभी जज को पता चलता है कि जो बॉडी पुलिस स्टेशन से मिली वो सेम की है ही नहीं। ये सब कुछ विजय का प्लान था। उसे पता था पुलिस कभी ना कभी सेम की बॉडी को ढूंढ ही लेगी, इसलिए वो एक ऐसी बॉडी की तलाश कर रहा था जो कदकाठी में बिल्कुल सेम की तरह हो। इसलिए वो शमशान घाट में काम करने वाले एक आदमी से दोस्ती करता है और उसकी पैसों से काफी मदद करता है। फिर जब पुलिस वालों को सेम की बॉडी मिलती है, तब विजय उस आदमी के पास जाता है और एक बॉडी मांगता है, क्योंकि विजय ने उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए वो आदमी भी उसे मना नहीं कर सकता था। विजय को पता था कि जब बॉडी मिलेगी तब वो पास की लेबोरेटरी में जांच के लिए जाएगी, इसलिए उसने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से भी दोस्ती कर रखी थी और जब बॉडी वहाँ पर जाती है तब वो उस बॉडी को सेम की बॉडी से रिप्लेस कर देता है। अब पुलिस के पास विजय के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए कोर्ट द्वारा उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ।